इसराइल और फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के बीच पिछले शनिवार से चल रही जंग का आज पांचवा दिन है। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, वैसे वैसे ये जंग और खतरनाक रूप लेती जा रही है। युद्ध की विभीषिका और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। हर दिन मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं घायलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस हमले के बीच फिलिस्तीन ने इसराइल पर बड़ा और गंभीर आरोप लगा दिया कि इसराइल हमले में प्रतिबंधित व्हाइट फास्फोरस बम गिरा रहा है। उसने इसराइल को वॉर क्रिमिनल तक कह दिया। इन आरोपों से जुड़ा एक वीडियो एक्स पर खूब शेयर किया जा रहा है, जिसमें आसमान से कोई जलता हुआ विस्फोट गिर रहा है, लेकिन ये साफ नहीं है कि वीडियो गाजा का ही है और मौजूदा इजरायली हमास संघर्ष से संबंधित है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने उत्तरी गाजा के घनी आबादी वाले इलाके में व्हाइट फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि व्हाइट फास्फोरस बम होता क्या है, क्यों इतना खतरनाक है कि इसके इस्तेमाल पर बैन लग चुका है। व्हाइट फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस और रबर को मिलाकर बनता है। फास्फोरस मोम जैसा केमिकल है जो हल्का पीला या रंगीन होता है। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही आग पकड़ लेता है, फिर ये पानी से भी बुझाए नहीं बुझ सकता। ऑक्सीजन के लिए रिएक्टिव होने की वजह से जहां भी ये बम गिरता है उस जगह की सारी ऑक्सीजन तेजी से सोखने लगता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इसराइल पर इस तरह के आरोप लगे हों। साल 2008 और 2009 में भी इसराइल पर गाजा पट्टी इलाके में इस बम के इस्तेमाल का आरोप लगा था। फिलहाल इजरायली सेना ने व्हाइट फास्फोरस बम के इस्तेमाल को सिरे से खारिज कर दिया है।